हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी लोग आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा। और मैं ना थोड़ा सा आज एक्साइटेड, क्योंकि मुझे मिला है आज मेरा गिफ्ट, जो मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है, ओप्पो F19 Pro। ये मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे इसे खोलना था और इसको अपने पुराने फ़ोन से नए फ़ोन को सेटअप करना था, बट मैंने सोचा कि चलो अब मुझे तो खोलना ही है, सो मैं इसी अनबॉक्सिंग वीडियो बना लेती हूँ। अब मैं दिखाऊंगी इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको कि इसके अंदर क्या क्या है। चलिए देखते हैं। ओप्पो F19 Pro का बॉक्स जो बहुत स्मार्ट सा दिखता है, स्मार्ट सा कलर लगा मुझे इसका। इसे ओपन करेंगे, इसमें है देखिए ये बॉक्स ओप्पो का। इस बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, दूसरे बॉक्स के अंदर देखते हैं, ये इसके अंदर है ये केश, उसके अंदर है प्यारा सा मेरा ट्रांसपेरेंट कवर, और ये है इसकी पिन, और फिर आता है हमारा फोन। ये है मेरा प्यारा सा फोन, ये देखिए। इसे हम ओपन करने रख देते हैं। इसे ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब तक हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है। यह है इसका बिल, ये क्विक गाइड, इसके बाद ये चार्जर। ये चार्जर ना मुझे बहुत इम्प्रेस किया, बहुत सुंदर सा चार्जर है ये देखिए, और बहुत हैवी है। सबसे बड़ी बात, फास्ट चार्जर है ये। और ये एयरफोन, ये प्यारा सा, अगेन प्यारा सा, फिर से ये ओपन हो चुका है हमारा। अब देखिए ये फोन है, मैंने इसे सेटअप करना है। अब मैं इसे करूँगी चार्ज, इसमें बैटरी कम है। और उसके बाद चार्ज करूँगी, इसमें सेटअप करूँगी, इसमें सिम प्लेसमेंट करूँगी, तो उसके बाद हमारा फोन हो जाएगा रेडी। हम इसमें लगा देते हैं सबसे पहले वैसे तो अभी मैंने इसमें सिम इंसर्ट करना है, बट ठीक है, तब तक ये लगा देती हूँ क्योंकि अनबॉक्सिंग हो चुकी है वीडियो की, फोन की, सॉरी। ये है इसका डाटा केबल, और ये 8 GB रोम और 256 GB रैम के साथ आया है ये फोन। हेलो दोस्तों, हम आगे हैं अपने वीडियो के सेकेंड पार्ट में, और ये वीडियो मैं दो दिन बाद शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि अनबॉक्सिंग वीडियो तो बन गई है, अब आपके साथ ना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि फोन सेटअप कैसे करना है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगी कि आपको पता चलेगा कि कैसे फोन सेटअप करना है, मतलब कि एक फोन का डेटा दूसरे फोन में ट्रांसफर करना है। तो जब भी कोई नया फोन खरीदता है ना, तो उसके दिमाग में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि अब मैं पुराने फोन को नए फोन में कैसे ट्रांसफर करूं। सो मेरा वीडियो बनाना इस बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ताकि आप लोग को पता चल सके कि कैसे करना है और क्या किया मैंने। मैंने फर्स्ट में तो गूगल बैकअप ले लीजिए, गूगल बैकअप से मेरा काम नहीं बना, उससे बन जाता है काम। फर्स्ट में आपने गूगल बैकअप लेना है और उस पर ईमेल आईडी से रिस्टोर करना है, बट उससे मेरा काम नहीं बना। तो मैं टेक्निकल गुरु जी को थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपकी वीडियो से मुझे फ़ायदा पहुँचा, और मुझे पता चला कि बहुत सारे क्लोनिंग ऐप आते हैं आजकल, सो मैंने उसे अपने फ़ोन पे, मेरे फ़ोन में ओप्पो फ़ोन क्लोन, ओप्पो फ़ोन के लिए स्पेशली फ़ोन क्लोन, ओप्पो फ़ोन क्लोन ऐप आता है जो मेरे फ़ोन में, नए फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड था, लेकिन मेरे ओप्पो, मेरा पुराना फोन भी मेरा ओप्पो का ही है जिसमें ओप्पो फोन क्लोन ने काम नहीं किया, वो इंस्टॉलिंग नहीं हो रहा था। सो उसके लिए फिर मैंने फोन क्लोन ऐप डाउनलोड किया, जो चाइनीज ऐप था उसमें सारा डिटेल चाइनीज में था, सो मैंने वो यूज नहीं किया। और उसके बाद मैंने जियोसिस डाउनलोड किया, जियोसिस अच्छा ऐप है, इंडियन, मेड इन इंडिया है, बट वो स्पेशली जियो के फोनों के लिए बना हुआ है और फोन में सपोर्ट कर जाता है, बट ओप्पो के फोन में सपोर्ट नहीं किया, सो इसलिए वो भी कैंसिल हो गया। उसके बाद मैं आई इजी शेयर पर, इजी शेयर डाउनलोड किया दोनों फोनों में, तो मेरा फिर मैंने उसके बाद फोन क्लोन लगाया, फोन क्लोन किया और मेरा फोन अच्छे से क्लोन हो गया, एक फोन का डेटा सारा दूसरे फोन में शिफ्ट हो गया।
अपने सब्सक्राइबर को ये मैसेज देना चाहूंगी कि आज जब भी आप नया फोन खरीदे तो फर्स्ट में तो गूगल बैकअप ले लें, अगर गूगल बैकअप से नहीं काम बनता तो आप उसके बाद इजी सेल ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है इजी सेल आपके फोन में डाउनलोड ना करे तो फिर आप देख के यूट्यूब में सर्च करके आप कोई दूसरे ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद साथ ही साथ मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अपने हस्बैंड को जिसने मुझे दिया, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए शायद आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई नई चीज सोचना कितना मुश्किल हो जाता है जहाँ सब कुछ मुझसे देखना है। सो आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू यू। और इसी के साथ साथ आते हैं हम अपने वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी आपको सीखने को मिला हो वीडियो से, सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।